हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे मैथ्स ट्रिग्नोमेट्रिक से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स द टी रेशियो ऑफ सम पार्टिकुलर एंगल, जिसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में 0, 30, 45, 60 इसका वैल्यू हम लोगों ने प्रूफ भी किया था, देखा था भी, समझा था भी प्रीवियस वीडियो में। इसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, खासकर एनसीईआरटी आरएस अग्रवाल भी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। लेकिन इस पे सबसे पहले एक बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है इसमें कि याद नहीं हो पाता है। वैसे भी मैंने प्रूफ किया था कि 30 का, 0 का, 45 का, 60 का कैसे होता है, इसको मैंने प्रूफ भी किया था। तो बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है, याद नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को छोटा सा ट्रिक मैं बताऊंगा, एक छोटा ट्रिक, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। और आप लोगों को जब कभी भूल जाए तो इस ट्रिक को भी आप लोग यूज कर सकते हैं। वैसे मैंने इसको एक्सप्लेन भी किया, 0, 30, 60, 45, 60 इसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था इसके पहले वाले वीडियो में। लेकिन एक थोड़ा सा, जैसे कि मान लें कि हम यहां पे ये हमारा ये हम यहां पे मान लेते हैं कि सिर्फ साइन के लिए हम यहां पे सिर्फ यूज करेंगे साइन के लिए, ये थीटा, ये हमारा थीटा की जगह, और ये हमारा हुआ साइन साइन। अगर यहां पे 0, ये 30, ये 45, ये हमारा 60 और ये हमारा बच्चों 90, समझेंगे थोड़ा सा समझने में आपको जितना समय लगे और उसके बाद बनाने में कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। दोनों तरीके से मैं बता दूं आपको, मैं आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन भी किया, इसको प्रूफ भी किया कि कैसे होता है साइन 30 साइन 0 का, कैसे साइन 30 का 1/2 या 45 का कैसे वैल्यू क्रिएट किए इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने देखा। तो यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, मैं बताऊं कि हमें यहाँ पे जैसे कि 0, 30 आप 1, 2, 3, 4, 5 है, तो हम यहाँ पे चलेंगे 0/4 से 1/4, 2/4, 3/4 और फिर 4/4, और यहां पे हम बच्चों रूट लगा देंगे, ये हमारा रूट, बस बहुत इजी है। ये साइन के लिए, साइन के बाद हम लोग दूसरा भी हम लोग यूज कर सकते हैं। दैट मींस 0/4 इज इक्वल टू, यहां पे हम क्या करेंगे 0 और रूट अंडर 0, दैट मींस यहां पे 0, 1/4 तो इसका होता है रूट अंडर 1/2, 1/4 That means 1/4 का root under 1 और root under 4, तो इसका 1/2, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 1/2, बहुत इजी है 0, 1, 2, 3, 4। फिर इसको हम लोग ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा root under 2 by, यहाँ पे पहले इसको हम लोग इसको हम लोग पहले simplest form में करेंगे तो 1/2, that means यहाँ पे 1/√2, फिर इसको simplest form में करेंगे तो नहीं होगा इसलिए root under 3/2, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 90, यानी कि ये यहाँ पे 4/4 आप लोग देख सकते हैं 4/4 को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं तो 1, दैट मींस रूट अंडर 1 का 1। तो ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, इसके बाद बहुत इजी है, इसके बाद बहुत ही इजी है, हम लोग ऐसे भी बच्चों यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम इसके बाद साइन, जैसे थीटा की जगह यहाँ पे 0, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो हमें क्या वैल्यू मिला 0, 1/2, 1/√2, यहाँ पे देख सकते हैं 1/√2, फिर √3/2, उसके बाद 1। अब हमें मान लीजिए कि कॉस का निकालना है, अगर एक निकल जाएगा तो बाकी सब हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। हमें एक निकल गया, साइन का निकल गया पूरा 0, 30, 45, 60, 90, तो हम आसानी से कॉस का भी निकाल दे, बस इसको रिवर्स कर देना है। दैट मींस हम अगर इसको निकालते हैं तो ये साइड इधर से चलेगा, आप तो देख सकते हैं बहुत इजी है, ये 1 यहाँ पे, ये रूट अंडर 3/2, यहाँ पे रूट अंडर 3/2, फिर यहीं पे 1/√2, फिर ये हो जाएगा 1/2, डेट मीन्स यहाँ पे और ये 0, ये हमारा हो जाएगा, आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे tan यूज करें, tan यूज करें, तो tan यूज करें तो tan के लिए हम सबसे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को बताऊं कि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा by cos थीटा। तो यहाँ पे tan, अगर किसी का भी वैल्यू निकालना हो, अगर हमें tan मान लीजिए 0 का वैल्यू निकालना हो, तो इस दोनों का, जैसे sin का क्या है 0,
साइन साइन बाई कॉस, तो जीरो बाई वन, यहाँ पे हम जीरो बाई वन, तो जीरो बाई वन दैट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा जीरो बाई वन। तो टैन थीटा इज इक्वल टू साइन बाई कॉस, अगर जीरो का निकालना है तो बस वही हम वैल्यू रखेंगे, तो हमें टैन का जीरो बाई सॉरी यहाँ पे जीरो जीरो बाई वन इज इक्वल टू यहाँ पे जीरो। अब मान लीजिए कि हमें हमें जीरो हमें टैन टैन थर्टी का निकालना है, टैन थर्टी का निकालना है, तो साइन बाई कॉस, तो साइन का वैल्यू क्या होगा वन बाई टू, और फिर कॉस का रूट अंडर थ्री बाई टू, रूट अंडर थ्री बाई टू। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में आप लोग करेंगे, इसको आप लोग दैट मींस टैन का होता है आपका साइन बाई कॉस, तो साइन की जगह जो है ये बाई ए, तो आपको टेन जीरो डिग्री निकल गया, फिर साइन बाई कॉस डेट मीन वन बाई टू बाई रूट अंडर, यहाँ पे आप देख सकते हैं रूट अंडर थ्री बाई टू, डेट मीन टेन इज इक्वल टू आप लोग देखे यहाँ पे साइन बाई कॉस, तो साइन बाई कॉस में आप लोग यहाँ पे टू टू कैंसिल, डेट मीन क्या मिला वन बाई रूट अंडर थ्री। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि tan 30 is equal to 1 by root under 3। इसी प्रकार से ये भी कर सकते हैं tan किसका 45 का, तो tan 45 का that means sin 45 by cos 45। तो अगर हमें एक सिर्फ sin का वैल्यू अगर हमें पता चल जाता है तो इस ट्रिक से हम आसानी से cos का भी निकाल सकते हैं और tan का, और अगर ये तीनों अगर पता चल गया तो आप जानते हैं कि sin का reciprocal जो होता है sin का 1 by cos, उसके बाद cos का 1 by sec, फिर tan का 1 by cos। एक बार फिर से मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज करा दूं, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थीटा मैंने लिखा 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ पे मैंने क्या लिखा साइन, उसके बाद साइन के लिए मैं ये साइन के लिए, तो रूट अंडर जीरो से स्टार्ट करेंगे 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4। इसको हम लोग सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे 0 by 4 = 0, 1 by 4 = 2, यहाँ पे देख सकते हैं नहीं होगा, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ला दिए 1 by 2, 2 by 4 that means 1 by 2, इसको नहीं हो सकता सिंपलेस्ट फॉर्म में ये, फिर इसको करेंगे तो रूट अंडर 1, और ये जो वैल्यू होगा वो साइन का होगा, ये आपका साइन 0 का, ये आपका वैल्यू साइन 30 का, ये आपका वैल्यू साइन 45 का, ये आपका वैल्यू साइन साइन 60 का, और ये आपका वैल्यू होगा साइन 90 का। साइन का हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं, फिर इसको रिवर्स चलेंगे, दैट मींस कॉस के लिए ये 90 पे है वो 0 पे करेंगे, 30 पे है उसको 60 पे है वो 30 पे करेंगे, 45 का 40 रह जाएगा, ये रह जाएगा 1 by 2 30 का 60 हो जाएगा और 0 इसका हो जाएगा। और जब हमें साइन और कॉस पता चल गया तो टेन थीटा का निकाल सकते हैं, टेन का टेन इज इक्वल टू यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन बाई कॉस, दैट मींस थीटा की जगह आप क्या करोगे आप वैल्यू रखोगे, वैसे 30 का निकालना है टेन 30 का, तो टेन 30 का साइन 30 बाई कॉस 30, तो हमें क्या निकल जाएगा हमें निकल जाएगा टेन 30, ऐसे ही हम लोग निकाल सकते हैं। ये तो थोड़ा सा ट्रिक हुआ, आप एक दो बार अगर अभ्यास करेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोग को आ जाएगा। अब हम इसके बाद आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे, अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, दैट मींस वैल्यू, ये क्वेश्चंस इसमें जो है उसको एक दो थोड़ा सा मैं क्वेश्चन आप लोग बता रहा हूं, देखेंगे जैसे इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें आप लोग इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन है, अगर आप लोग बना रहे होंगे तो पता भी चल रहा होगा कि अगर अगर यहाँ पे अगर पार्टिकुलर एंगल को अगर हमें बनाना है तो फिर जो वैल्यू है उसे तो हम लोग को याद करना पड़ेगा, एज वेल ही मैंने प्रूफ भी कर दिया और फिर मैंने ट्रिक के सहारे भी जो एंगल है पार्टिकुलर सम एंगल है उसको भी मैंने समझाया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन पे, जैसे कि मान लीजिए कि फर्स्ट क्वेश्चन है इवेल्युएट, इवेल्युएट में है हमारा कि साइन 60 उसके बाद कॉस यहाँ पे 30 फिर प्लस ये हमारा साइन साइन 60, ये एनसीईआरटी का भी ये क्वेश्चन है साइन 60 ये मल्टीप्लाई है बीच में या डेट में से मल्टीप्लाई कॉस 30 और प्लस साइन साइन यहाँ पे 30 और उसके बाद यहाँ पे कॉस 60, इसे इवेल्युएट करना है, इस क्वेश्चन को हमें इवेल्युएट करना है, इसको हम लोग देखें, दैट मींस आप देख सकते हैं कि जो साइन 60 कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 इसका हम लोग वैल्यू रखेंगे, इसका हम लोग बच्चों यहां पे वैल्यू रखेंगे, उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लेकिन एक बात मैं यहां पे आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग जब इसे बनाए इस टाइप के क्वेश्चन को बनाए तो साइड में जरूर यहां पे वैल्यू हर क्वेश्चन के साथ, इससे होता है क्या कि लिखते लिखते भी अभ्यास हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होता है बच्चों को वो यही होता है कि वैल्यू जो है उसका
याद भी हो जाता है तो कुछ दिन बाद वो लोग थोड़ा सा भूलने लगते हैं या फिर, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, लिख कर भी अगर आप लोग यहाँ पे करेंगे तो आप लोग का रिवाइज भी होते रहेगा और अच्छे तरीके से इस पे कमांड भी आप लोग का हो जाएगा, खासकर इसके टेबल पे कमांड भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे देख लीजिए साइन, तो ये हो गया साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू होता है रूट अंडर 3/2। यहाँ पे हो गया कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू बच्चे होता है रूट अंडर 3/2। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग साइन, ये हो गया आपका साइन 30, तो साइन 30 का होता है 1/2, और कॉस यहाँ पे हो गया कॉस 60, और कॉस 60 का बच्चों होता है 1/2। बस ये वैल्यू जो है यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करेंगे। जैसे आप लोग देखें साइन 60 का वैल्यू, साइन 60 का रूट अंडर 3/2, यानी यहाँ पे रूट अंडर 3/2 इंटू इंटू कॉस 30, कॉस 30 का भी रूट अंडर 3/2, यानी यहाँ भी हम लिखेंगे रूट अंडर 3/2, और फिर ये प्लस, यहाँ प्लस है साइन 30, साइन 30 का वैल्यू 1/2, यहाँ पे हम लोग 1/2 लिखेंगे इंटू 1/2, कॉस 30 का 60 का वैल्यू 1/2। अब हम इसे मल्टीप्लाई में रखेंगे, मल्टीप्लाई दैट इज रूट अंडर 3, रूट अंडर 3, ये हो गया रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3, रूट अंडर 9, और रूट अंडर 9 का 3, तो यहाँ पे हो गया 3, और 2 इंटू 2 4, फिर प्लस, ये प्लस 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 ये हमारा 4, एलसीएम की तरह बनाएंगे तो ये 4 मिलेगा, 3 प्लस 1 दैट मीन्स 4/4, कैंसिल कर देंगे 1। बहुत ईजी है, लेकिन इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसके वैल्यू को जरूर याद करना पड़ेगा, और मैं बता भी चुका हूं कि आप लोग जब बनाएंगे तो इसका वैल्यू आप लोग जरूर साइड में लिखें कि पता तो चले कि हम लोग साइन 60 का वैल्यू यहां पे जो है एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन और एनसीईआरटी का जिसमें ज्यादा प्रॉब्लम, बच्चों को ज्यादा उस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि इसमें रेशनलाइजेशन से रिलेटेड भी इसमें आप लोग को क्वेश्चन मिलेंगे, देखेंगे क्योंकि रूट अंडर मिल रहा है, रेशनलाइजेशन से रिलेटेड मिलेंगे। इसके बाद हम लोग वही क्वेश्चन देखते हैं, NCERT का एक क्वेश्चन फर्स्ट का आई थिंक 3 या 4 ये हम लोग को मिलेगा। देखिए cos 45 by sec 30 और फिर प्लस cosec यहां पे 30, ये क्वेश्चन है आप लोगों का cos 45 यहां पे डिग्री, sec 30 प्लस cosec 30, इसका वैल्यू हम लोग देखेंगे। तो इसको सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में ही, साइड में ही हम इसका वैल्यू जो भी है, दैट मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग cos 45, तो cos 45 का जो वैल्यू होता है sec 30 का, cosec 30 का जो वैल्यू होता है उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं cos यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे cos 45 का वैल्यू 1/√2, sec 30 यानी यहाँ पे sec और ये आपका 30, तो sec 30 का वैल्यू आप देख सकते हैं, sec 30 का वैल्यू रूट अंडर जो भी वैल्यू है इसको मैं यहाँ पे साइड में लिख रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू को मैं रखूंगा और फिर इसे हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे sec 30 आप देख सकते हैं, sec 30 रूट अंडर 2/√3, इसके बाद ये है cosec, cosec 30 का वैल्यू 2, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे cosec 30 का वैल्यू 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये हमने एक वैल्यू लिखा, अब इसे बच्चे हम लोग सॉल्व करेंगे, cos 45 1/√2 फिर बाय समझेंगे sec 30, sec 30 का 2/√3 और फिर प्लस cosec 30, cosec 30 का ये हो गया आपका 2। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, हर स्टेप को यहाँ पे हम लोग एडजस्ट करते चलेंगे, हर स्टेप को आप लोग आगे मतलब आप लोग हर स्टेप को क्रिएट करेंगे, अगर स्टेप एक भी अगर इधर उधर मिसमाइंड होता है या इधर उधर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप लोग इस पे क्वेश्चन बनाने में बहुत सारा प्रॉब्लम होगा, इस बात का भी ख्याल है। और ये क्वेश्चन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रेशनलाइजेशन का भी जरूर यूज मिलेगा। देखते हैं क्वेश्चन में आगे, आगे हम लोग का क्या है 1/√2 और फिर यहाँ पे रूट अंडर 3 और ये हो गया 2 + √3, यहाँ पे बच्चे 1 छुपा हो रहा है, दोनों का एलसीएम किया रूट अंडर 3, इसको इसको डिवाइड किया 1 से 2 को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, हमें 2, और फिर प्लस इसको इसको डिवाइड किया तो हम लोग को रूट अंडर 3 मिला, रूट अंडर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया दैट मीन्स 2√3। इसके बाद हम लोग इसके बाद हम लोग स्टेप को देखेंगे, ये रूट अंडर 3 ऊपर और ये रूट अंडर 3 नीचे, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट अंडर 3 बाई, आप लोग देख सकते हैं
इसको ये डिवाइड थे इसमें, ये डिवाइड है, डिवाइड में, तो ये नीचे और ये रूट अंडर थ्री ऊपर, तो यहाँ पे रूट अंडर, यहाँ पे रूट अंडर टू, और फिर हमें क्या मिला, टू प्लस टू रूट अंडर टू प्लस टू रूट अंडर थ्री, ये हमें मिला। एक बात मैं और आप लोगों को बताऊंगा कि अगर इसको नहीं आए, आप लोग को अगर ये समझ में नहीं आ रहा हो तो आप इसको एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसको भी थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों को अगर प्लस जैसे टू रूट अंडर टू है और ये डिवाइड है, तो इसको मैं डिवाइड साइन दे रहा हूँ, फिर टू, फिर प्लस टू रूट अंडर थ्री और बाय रूट अंडर थ्री। डिवाइड क्या होता है, मल्टीप्लाई में केस में अगर हम करते हैं तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है, फिर टू प्लस टू रूट अंडर थ्री, आप देख सकते हैं, दैट मीन्स थ्री को रूट वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर थ्री, और टू को रूट अंडर टू को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, तो यही चीज हमने यहाँ पे लिखा। इसके बाद हम लोग इसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं, देखेंगे ये स्टेप। नेक्स्ट रूट अंडर टू को हम मल्टीप्लाई करते हैं, दैट मीन्स रूट अंडर थ्री बाय इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टू रूट अंडर टू, और फिर प्लस प्लस रूट अंडर थ्री और रूट अंडर टू, यानी रूट अंडर सिक्स, दैट मीन्स टू रूट अंडर सिक्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे रूट अंडर टू, टू रूट अंडर टू, फिर रूट अंडर टू को रूट अंडर थ्री से करेंगे तो रूट अंडर सिक्स। अब यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं, हम यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हैं, रूट अंडर यहाँ पे आप देख सकते हैं टू को हम कॉमन भी लेके चल सकते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे रूट अंडर थ्री और टू को हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ, रूट अंडर टू और प्लस रूट अंडर सिक्स। अब यहाँ पे हम रेशनलाइजेशन का यूज करेंगे, जो आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में पढ़ा है, यहाँ पे पॉजिटिव है, नेगेटिव से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन, दैट मीन्स रूट अंडर टू पॉजिटिव है तो नेगेटिव रूट अंडर सिक्स बाय रूट अंडर टू और फिर माइनस रूट अंडर सिक्स। चलो बच्चे, इसके बाद हम लोग आगे स्टेप देखते हैं, दैट मीन्स रूट अंडर थ्री को इससे अगर हम मल्टीप्लाई, यानी रूट अंडर थ्री को रूट अंडर टू माइनस रूट अंडर सिक्स, इसके बाद हम लोग देखेंगे ए प्लस बी ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा, तो हमें मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझेंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स हमें यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसके बाद दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट अंडर सिक्स रूट अंडर और माइनस इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट अंडर एटीन बाय, अब इसको देखेंगे आप लोग टू, और ये हो गया रूट टू का स्क्वायर, ये कट गया और ये, दैट मीन्स यहाँ पे क्या मिला, यहाँ पे अगर हम टू माइनस सिक्स, यानी यहाँ पे टू माइनस सिक्स, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे रूट अंडर सिक्स माइनस एटीन, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व कर रहा हूँ, रूट अंडर एटीन को हम लोग थ्री रूट अंडर टू भी लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइजेशन आप लोग करेंगे तो इसका आएगा रूट अंडर एटीन को हम लोग थ्री रूट अंडर टू भी लिख सकते हैं, यहाँ पे थ्री और रूट अंडर टू, फिर बाय ये हो गया टू इंटू माइनस फोर, टू इंटू माइनस फोर, और थोड़ा सा इधर हमें रिस्क करके इधर में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, अब देखेंगे यहाँ पे हो गया माइनस एट नीचे में, इसके बाद इस स्टेप के बाद में यहाँ पे चल रहा हूँ, यहाँ पे इसको भी मिटा ही देते हैं, क्या है हमारा रूट अंडर सिक्स माइनस थ्री रूट अंडर टू बाय माइनस एट, फोर टू जा एट माइनस एट, अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें माइनस कॉमन करेंगे, ये हमारा माइनस आसानी से कट जाए, दैट मीन्स माइनस करेंगे तो नेगेटिव वाला पॉजिटिव में, तो ये नेगेटिव है तो इसको हम पॉजिटिव में कर देते हैं, और ये पॉजिटिव है तो यह नेगेटिव हो जाएगा, यानी रूट अंडर सिक्स बाय माइनस एट, माइनस माइनस कैंसिल, दैट मीन्स थ्री रूट अंडर टू माइनस माइनस रूट अंडर सिक्स बाय एट, आपका ये आंसर हुआ। एक बार फिर से थ्री रूट अंडर टू माइनस रूट अंडर सिक्स बाय एट, आपका बच्चों ये आंसर हुआ। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे ये बताना था कि अगर हम क्वेश्चन में वैल्यू अगर हम पुट करते हैं तो वैल्यू पुट करते हैं तो कहीं हमें रेशनलाइजेशन का भी यूज करने को मिलेगा। तो ये रहा कुछ क्वेश्चंस, एक दो क्वेश्चंस को और हम लोग देखेंगे, अभी एक दो क्वेश्चंस और बच्चों हम लोग देखेंगे, सबसे पहले यहाँ से आप लोग देखेंगे, ये मैंने रेशनलाइजेशन किया यहाँ से, और फिर रेशनलाइजेशन करके इसको मल्टीप्लाई किया, रेशनलाइजेशन करके हम लोगों ने आंसर हम लोग का कितना हुआ आप लोग देखेंगे इसको।